ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 108 ऑफ CGST एक्ट 2017। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच इज लेवीएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जो सप्लाई है और जिसके ऊपर GST की लेवी भी आती है, और इसको एग्रीगेट टर्नओवर में भी काउंट किया जाता है और इसके ऊपर ITC भी दिया जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, टैक्सेबल सप्लाई को अगर मैं सिंपली बोलूँ, आप जो भी सप्लाई करते हो, जैसे आप मोबाइल की सप्लाई करते हो, यह टैक्सेबल सप्लाई है। आप कोल्ड ड्रिंक बेचने का काम करते हो, यह टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने का काम करते हो तो ये टैक्सेबल सप्लाई तो है, बट इसके ऊपर GST का जो रेट है वो नील है, तो इसको हम कई बार नील रेटेड सप्लाई भी कहते हैं। जैसे अगर आप सॉल्ट की सप्लाई करते हो तो सॉल्ट को हम नील रेटेड सप्लाई कहते हैं। नील रेटेड का मतलब कि आप नमक बेचने का काम करो, जो एसेंशियल आइटम है, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे कोई GST चार्ज नहीं करती। तो जब GST का कानून 1 जुलाई 2017 को आया था, उस टाइम पर गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर हमें GST नहीं कलेक्ट करना चाहिए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा कि इनके ऊपर हम नील रेट से टैक्स लेंगे, तो इसको हम कहते हैं नील रेटेड सप्लाई। कुछ समय के बाद जब GST का कानून आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि कुछ और आइटम्स हैं जिनके ऊपर हमें GST चार्ज नहीं करना चाहिए। जैसे सैनिटरी पैड्स का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, गवर्नमेंट ने कहा कि वुमेंस के लिए ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर भी हमें GST चार्ज नहीं करना चाहिए। तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको एग्जम्प्टेड सप्लाई में कंसिडर किया, यानी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी GST चार्ज नहीं करती, गवर्नमेंट इसके ऊपर इफेक्टिवली ज़ीरो रेट लगाती है GST का। अगर कोई पूछे नील रेटेड सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या डिफरेंस है, तो कहना कि जब स्टार्टिंग में GST आया, उस टाइम पे कुछ आइटम्स की लिस्ट थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का पहले से ही स्टैंड था कि हम GST कलेक्ट नहीं करेंगे, तो उस आइटम को हम कहते हैं नील रेटेड सप्लाई। जैसे दूध है ना, सॉल्ट, जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के पास सेक्शन नंबर 11 ऑफ द CGST एक्ट एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ द IGST एक्ट के तहत पावर है कि अगर गवर्नमेंट को कभी भी लगे कि हमें कुछ और आइटम्स हैं जिनके ऊपर GST चार्ज नहीं करना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको एग्जम्प्ट लिस्ट में कंसिडर कर सकती है। और गवर्नमेंट ने इस पावर का यूज़ करते हुए सैनिटरी पैड्स और बाकी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, सर्विसेज की बात कर लें चाहे गुड्स की बात कर लें, जिनको एग्जम्प्ट लिस्ट में कंसिडर किया है, तो उसको हम कहते हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई। इनके अलावा जो भी सप्लाई होगी उसको हम टैक्सेबल सप्लाई कहेंगे। तो मैंने लिखा है कि ITC क्या टैक्सेबल सप्लाई के केस में मिलेगा? देखो, अगर आप नील रेटेड सप्लाई करोगे तो ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 का सिंपल सा नियम है कि अगर आप आउटवर्ड सप्लाई पर GST पे करोगे तो आपको इनवर्ड सप्लाई पर ITC का बेनिफिट मिलेगा। आप नील रेटेड सप्लाई में कोई GST नहीं पे कर रहे, तो आपको नील रेटेड सप्लाई के रिगार्डिंग जो आपने इनपुट्स लिए होंगे उनमें आपको कोई भी ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई के केस में आप कोई GST पे नहीं करते गवर्नमेंट को, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई के केस में भी आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप जो भी सप्लाई करोगे उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी टैक्सेबल सप्लाई करोगे उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आई होप टैक्सेबल सप्लाई आपको समझ आया होगा। टैक्सेबल सप्लाई यानी कि सप्लाई जिसके ऊपर, जो सप्लाई में भी कवर है, यानी कि सेक्शन नंबर 7 में भी कवर हो जाता है, और जिसके ऊपर GST की लेवी भी आती है। लेवी यानी कि चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है CGST एक्ट का सेक्शन नंबर 9 और IGST एक्ट का सेक्शन नंबर 5। इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में भी काउंट करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में आप हर एक तरह की सप्लाई को काउंट करोगे, चाहे मैंने पिछले लेक्चर में जो बताया था, पिछले वीडियो में, चाहे नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे। इसी प्रकार से जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है उसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, जो भी सप्लाई होगी अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर रही है तो उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे।
टैक्सेबल सप्लाई के रिगार्डिंग ITC का क्या स्टैंड रहेगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नील रेटेड सप्लाई में आपको कोई ITC नहीं मिलेगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के रिगार्डिंग आपको कोई भी ITC नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल की सप्लाई कर रहे हो, तो मोबाइल की सप्लाई के केस में जो भी आपके इनपुट्स होंगे उसके रिगार्डिंग आपको ITC का बेनिफिट दे दिया जाएगा। सो दिस वॉज अवर टैक्सेबल सप्लाई। थैंक यू सो मच।